राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक बार फिर अपना दमखम दिखाते हुए निर्दलीयों ने जीत दर्ज करी है। वहीं अगर बात करें निर्मल चौधरी अध्यक्ष पद के दावेदारी जीती, और अगर एनएसयूआई की बात करें तो निहारिका को टिकट नहीं देना एनएसयूआई की हार का बड़ा कारण बना, और एबीवीपी की बात करें तो एबीवीपी अपने कोर वोटर तक नहीं जुटा पाई। बीकानेर में छात्र संघ चुनावों के परिणाम एबीवीपी और एनएसयूआई के लिए मिश्रित खुशियां लेकर आए। कई जगह निर्दलीयों ने भी बाजी मारी। हालांकि यूनिवर्सिटी में एबीवीपी काबिज हुई। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में लोकेंद्र प्रताप एबीवीपी के सिंबल तले चुनाव जीतने में कामयाब रहे, तो वहीं वेटनरी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद पर निर्दलीय जयंत विश्नोई चुने गए। साथ ही साथ संभाग की सबसे बड़ी कॉलेज डूंगर कॉलेज में एनएसयूआई के हरिराम गोदारा ने बाजी मारी। उन्होंने जीत का श्रेय विद्यार्थियों के साथ साथ एनएसयूआई के नेता रामनिवास कुकड़ा को भी दिया। तो वहीं महारानी सुदर्शना कॉलेज में निर्मा मेघवाल एनएसयूआई के सिंबल पर 724 से अधिक मतों से चुनाव जीती। खाजूवाला कोलायत सहित कई उपखंड मुख्यालयों की सरकारी कॉलेजेस में एबीवीपी ने अपना परचम फहराया। हालांकि लिंग दो कमेटी के निर्देश थे, लेकिन बावजूद उसके कई जगह जश्न भी मनाया गया। डूंगर कॉलेज में एनएसयूआई की जीत पर एसएफआई और एबीवीपी ने सवाल भी उठाए। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने इस बात से इनकार किया कि कोई धांधली नहीं हुई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की नई पौध ने पहली सीढ़ी चढ़ी है, यानी छात्र संघ चुनाव जीता है। उम्मीद करें अपने इस कार्यकाल में वे बेहतर काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में वे राजनीति में अपना सही से स्थान बना पाएं। मतगणना के बाद आज जारी हुए छात्र संघ चुनावों के परिणामों में कोटा में एकमात्र विश्वविद्यालय कोटा विश्वविद्यालय में निर्दलीय ने परचम फहराया। यहाँ निर्दलीय अजय पारेता ने एबीवीपी के अंतिमा नागर को 66 वोटों के अंतर से हराया। लेकिन हाड़ौती के सबसे बड़े कॉलेज माने जाने वाले राजकीय महाविद्यालय कोटा से एबीवीपी को अच्छी खबर मिली। यहां से परिषद के प्रत्याशी मनीष सामरिया 650 से भी अधिक मतों से जीत करके अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो सामरिया पैनल के ही मनीष गुर्जर महासचिव और तरुण केवट उपाध्यक्ष पदों पर भी चुनाव जीते। तो वहीं जेडीबी गर्ल्स के आर्ट्स कॉलेज से भी एबीवीपी को अच्छी खबर मिली। यहां से परिषद की शिवानी दुबे अपने पूरे पैनल के साथ निर्वाचित हुई। तो वहीं कोटा के बड़े कॉलेजों में माने जाने वाले कॉमर्स कॉलेज में अध्यक्ष निर्दलीय जीता, तो उपाध्यक्ष का पद एबीवीपी के खाते में गया। तो वहीं जेडीबी गर्ल्स के कॉमर्स कॉलेज से भी एबीवीपी की दीप्ति अध्यक्ष चुनी गई। लेकिन एनएसयूआई को अच्छी खबर मिली जेडीबी गर्ल्स के साइंस कॉलेज से, जहां से अंजलि मीणा अपने पूरे पैनल के साथ निर्वाचित घोषित हुई। कोटा में इन चुनावों के अलावा दूसरे जो छोटे छोटे कॉलेज थे, जिनमें एग्रीकल्चर कॉलेज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और इटावा कॉलेज के नाम आ सकते हैं, इन सभी कॉलेजों में निर्दलीय ही अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। कोटा के साइंस कॉलेज में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनयराज सिंह समर्थित संयुक्त मोर्चा के आशीष मीणा अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो बाकी पैनल पर भी संयुक्त मोर्चा के ही प्रत्याशी जीते। कोटा में छात्र संघ चुनाव परिणामों के दौरान सीटीएसपी केसर सिंह शेखावत खुद ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाले रहे। महाविद्यालयों के सामने और काउंटिंग सेंटर्स के सामने की रोड्स को पूरी तरह से फ्लाइंग जोन में तब्दील किए रखा गया। किसी भी कैंडिडेट को जुलूस या रैली की इजाजत नहीं दी गई और कहीं पर भी प्रत्याशियों के समर्थकों को इकट्ठा भी नहीं होने दिया। जब कहीं भी कैंडिडेट डिक्लेयर होता तो पुलिस की जीप में उठा करके उसे उसके घर या कार्यालय पर छोड़कर आया जाता, और इसके चलते कोटा में रिजल्ट डे पूरी तरह से जीरो न्यूसेंस डे रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मंडरायल दौरे पर रहे। बीते दिनों चंबल नदी में आए बाढ़ की डूब में आए ग्रामीणों का दर्द जानने आए मुख्यमंत्री ने राहत का मरहम भी लगाया। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के साथ डूब प्रभावित गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल के साथ हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भरतपुर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा, आईजी गौरव श्रीवास्तव, करौली कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी नारायण टोगस ने उनकी अगवानी की। मुख्यमंत्री ने मंडरायल में आम सभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने क्षेत्रीय विधायक और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा को सजग प्रहरी बताते हुए उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने की योजना की भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों के उत्थान और विकास के लिए संकल्पबद्ध है, इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्य
मुख्य सचिव उषा शर्मा एक दिवसीय टोंक जिले के दौरे पर रही, जहां उनके मुंडिया गांव पहुंचने पर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल व एसपी मनीष त्रिपाठी ने अगवानी की। इस मौके पर मॉडल तालाब का सीएस ने अवलोकन किया और उसकी काफ़ी सराहना भी की। साथ ही मुंडिया गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचकर बालिकाओं से वन टू वन बात की। इसके बाद वह टोंक पहुंची, जहां उन्होंने जिला पुस्तकालय का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल, एसपी मनीष त्रिपाठी सहित आला अधिकारी मौजूद रहे।